धार जिले में 10 साल की बच्ची से उसके ताऊ के लड़के ने रेप किया, ये मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्चे के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। बच्ची की मां ने उससे पूछा ये किसने किया, तब बच्ची ने बताया कि भाई ने उसके साथ गलत किया है, लेकिन पिता ने बात दबा दी। वो बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचा, वहां डॉक्टर और पुलिस को बताया कि बच्ची को खेलते वक्त सरिया लगा है। इसके बाद मां ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करा दिया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। घटना छिपाने के कारण बच्ची के पिता और ताऊ को भी हिरासत में लिया है। घटना बंजारी गांव के बताई जा रही है, जहां बच्ची की मां 15 फरवरी को किराना दुकान पर सामान लेने गई थी। मनावर टीआई ब्रजेश कुमार मालवी ने बताया कि बच्ची को खून आने पर परिवार के लोग उसे गांव के अस्पताल लेकर पहुंचे, तभी वार्ड बॉय ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंच गई। परिवार ने बताया कि बच्ची को खेलते समय सरिया लगा है। यहां से परिवार बच्ची को बड़वानी के अस्पताल ले गया, जहां रात भर भर्ती रही। मामला संदिग्ध लगा, इसलिए पुलिस ने परिवार की एक्टिविटीज पर नजर रखी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सबसे पहले आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। गांव से भागने की तैयारी कर रहे बच्ची के पिता और ताऊ को भी हिरासत में ले लिया है और इनके खिलाफ घटना छिपाने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। स्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।